कोरोना महामारी से जहां आमजन अधिकतर समस्याओं का सामना कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य सरकारें हों या प्रशासनिक इकाइयां इस दौर में जन कल्याण हेतु हर सफल प्रयास कर रही है। किंतु जन समस्याएं तो आज की नई बात नहीं है। समाज में यदि समस्याएं पैदा होती हैं तो उसका हल भी सिस्टम निकालता जरूर है। ऐसा ही एक वाक्य चंडीगढ़ में शनिवार को देखने को मिला, जहां सेक्टर 39 स्थित अपने निवास स्थान पर डेरा बाबा नानक से विधायक और पंजाब सरकार में सहकारिता व जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा लोगों की समस्याओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनते नजर आए और समस्याएं सुनने के साथ ही अपने पास मौजूद अधिकारियों से उन शिकायतों का निपटान करने के निर्देश भी देते रहे। बता दें कि मंत्री सुखजिंदर रंधावा लोगों की समस्याओं को पिछले एक वर्ष से निपटाते आ रहे हैं। आधुनिक युग में डिजिटल तकनीक से दूर दराज बैठे लोगों के लिए मंत्री रंधावा कोई मसीहा से कम नहीं है। इस संदर्भ में मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने अर्थ प्रकाश से विशेष बातचीत की, चलिए दिखाते हैं। मंत्री जी कत्तों स्टार्ट कर रही मैंने कोई एक साल हो गया वीडियो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की थी और ये नाल ही जिथे पिंड दे विच लोग वीडियो कॉल भी कर लेंदे ने कि जिहड़े ते पिंडां दी डिवेलपमेंट चलदी उह तो खुद क्या काम हो गया आ नहीं होया। इहदे बाद हर रोज 10 तों 15 पंचायतां जिहड़ियां ने पूरी पूरी दी पूरी फुल पंचायत उह आ के अपने पिंडां दी जिहड़ी आ डिमांड करदी, पर जिहड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंस जिहड़ी आ जदों कोरोना करके लॉकडाउन स्टार्ट होया तो उहदे बाद लोकां दे विच ज्यादा अवेयरनेस आई है कि उन्हां नूं अपने ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਲਾਨੌਰ ਵੀਡੀਓ ਆਫਿਸ ਔਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਆਫਿਸ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟਾਈਮ ਰੱਖੇ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਨੇ। ਅਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਟੀਵੀ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਕਾ ਬਟਨ ਦਬਾਏ ਔਰ ਦੇਖੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲਯਵਾਨ ਸੁਝਾਅ।